अरविंद यादव का डिप्टी जेलर में हुआ चयन, क्षेत्र में खुशी का माहौल। बता दें कि बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के पासीपुर गांव निवासी अरविंद यादव पुत्र राधेश्याम यादव का चयन डिप्टी जेलर पद पर हुआ है। क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि अरविंद यादव के पिता राधेश्याम यादव किसान हैं और गरीब परिवार के हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बेटों को डिप्टी जेलर बनाया। बता दें कि अरविंद की प्राथमिक शिक्षा आदर्श जूनियर हाई स्कूल कोयलसा में हुई, वहीं इंटरमीडिएट की शिक्षा राम रूपी मेमोरियल इंटर कॉलेज कोयलसा, स्नातक की शिक्षा गांधी शताब्दी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोयलसा में हुई है। अरविंद ने बताया कि 2018 में तैयारी के लिए प्रयागराज से की, वहीं उन्होंने 3 वर्षों में ही डिप्टी जेलर पद के लिए उनका चयन हुआ। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेरा सपना SDM बनने का था, लेकिन आगे भी तैयारी जारी रहेगी। बधाई देने वालों में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, डॉक्टर रामाश्रय यादव, अंकित गुप्ता, अशोक यादव, संतोष यादव, अनिल यादव, जयहिंद सीताराम, रामजी दुर्गा, हीरावती देवी, सरोज दीपक सहित सैकड़ों लोग बधाई दी। वह बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। आइए देखिए डिप्टी जेलर पद पर चयनित अरविंद यादव ने क्या कुछ कहा। सर, मेरा नाम अरविंद यादव है। सर, मेरे पिताजी श्री राधेश्याम यादव और विजय सर पासीपुर पोस्ट कोयलसा आजमगढ़ का मैं मूल निवासी हूँ। सर, अच्छा बताइए कि आपका किस पद पर चयन हुआ है। सर, मेरा डिप्टी जेलर पद पर चयन हुआ है। इसके पहली बार हुआ है, मतलब इसके पहले भी कोई परीक्षा? नहीं सर, मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे। सर, ये मेरा दूसरा मेन था, पहला इंटरव्यू था और सर इसी में डिप्टी जिला पद में मेरा चयन हुआ। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या था? इसके पहले भी आप चाहते थे इसी पद तक की सोच थी कि IAS बनना चाहते थे या इसके और भी तैयारी आपकी थी? नहीं सर, कोशिश तो अभी पूरी जारी रहेगी। और सर, वैसे मूल तो मैं सर मेरा सर SDM बनना ही मेरा लक्ष्य है। और PCS थ्रू। और सर उसे, क्योंकि सर हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा नहीं सोच सकते हैं, इसलिए सर मैंने जो है PCS पर ही सोचा कि PCS कर लूँ, उसके बाद सर IAS के लिए कोशिश करूँगा। आपकी सफलता के पीछे के श्रेय किसका है? श्रेय किसको? सर, निश्चित रूप से मेरे माता पिता, उस परम पिता ईश्वर को, और सर मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े सभी लोगों को सर इसका श्रेय जाता है। कब से आप तैयारी में हैं, कितने दिनों से? सर, मैंने ग्रेजुएशन कर किया था, उसके बाद सर मैंने एक टीचिंग कोर्स भी किया था जिसका BTC। सर, उसके बाद मैं 2018 से करीब पूरी तरह से जो सिविल सर्विस तैयारी कर रहा हूँ। इलाहाबाद में? जी सर। मतलब कब से? 18 से हैं, इससे पहले से? नहीं सर, 18 से मूल रूप से रहना शुरू किया, क्योंकि उसके पहले सर एकेडमी के जो है एग्जाम चल रहे थे इसके। जी सर, 18 से है। जी, हाई स्कूल आपने कब किया? सर, हाई स्कूल मैंने 2010 में किया था। कहाँ से? सर, ये क्षेत्रीय स्कूल से, आदर्श जूनियर हाई स्कूल से किया। अच्छा जी सर। और इंटर? इंटरमीडिएट सर किसान बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर से मैंने किया था। सर, किसान बालिका? जी सर। अच्छा, वही वही ग्रेजुएशन? सर, ग्रेजुएशन GSSPG कॉलेज को। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद आपने, इसके पीछे मोटिवेशन क्या था? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप एक शिक्षक भी बन सकते थे और जी सर भी चीज़ें थी, जैसे आपका मतलब चल सकता था छोटे पैमाने पर भी, आप BTC करके फिर उसके बाद, लेकिन मोटिवेशन कहीं ना कहीं रहा होगा, कोई सपना रहा होगा या किसी को देख करके? कब आपको लगा कि हमको मतलब अधिकारी बनना चाहिए या उच्च पद पर? BTC करने का मूल बस सर यही पर्पज था कि एक जॉब सिक्योरिटी के लिए किया था। पर सर, मेरा सिविल सेवा ही मुख्य लक्ष्य था। और सर, इसकी प्रेरणा जो है सर, जो बचपन में खुद यहाँ पे देखा करता था, जैसे तहसील में जाया करता था आजाद निवास बनवाने के लिए, वहाँ से सर मुझे जैसे तहसीलदार साहब और SDM साहब से रुतबा देख करके आपको लगा कि मुझे भी एक शुरुआती रुझान सर तो वहीं से हुआ। और उसके बाद सर जैसे जैसे और पढ़ाई हुई, कुछ भैया लोगों से संपर्क हुआ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, वैसे तो कोई घंटे मैंने गिन के नहीं पढ़ाई की, पर सामान्यतः सर 7-8 घंटे पढ़ाई देता था रेगुलर। जी सर। और सामाजिक जैसे एक्टिविटीज जो होती है, जैसे सोशल मीडिया और सारी चीज़ें, जैसे फ्रेंडशिप सर्किल, इनका भी आपके मतलब आपकी बहुत अच्छी सर्किल है कि इनसे दूर थे? नहीं सर, बहुत तो नहीं जुड़ा था, पर कुछ
कुछ ग्रुप थे मेरे, कुछ विशेष मित्रों के थे, उनसे सर मैं जुड़ा था। तैयारी के दौरान सर मैं लगभग दूर ही था इसे, और सर हाँ कुछ सोशल मीडिया जैसे सर एग्जाम में जैसे पढ़ाई से जुड़े हुए जो थे उनका सर मैं यूज कर लेता था। जैसे होता है क्या कि आज के समय करते हैं खेती बाड़ी काम करते हैं। अच्छा, ये आपके बेटे हैं जी, क्या नाम इनका? इनका नाम अरविंद यादव है। अरविंद यादव, क्या आप उम्मीद पाले थे कि अरविंद इस पोस्ट तक जाएंगे? आपको लगता था? जरूर था, अभी ये तो समझ के किए थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ बनेंगे जरूर। नहीं, जैसे पढ़ लिख तो बहुत से लोग रहे जी, लेकिन जैसे एक बच्चे की एक्टिविटीज़ देखने पे लगता है, लोग टीचर कहते हैं और लोग समाज में क्षेत्र के लोग कहते हैं आपका लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, इस तरह का है, ऐसी चीज़ें आपको मिलता था, फीडबैक मिलता था कि नहीं, जैसे पीछे से कि बहुत तारीफ और सारी चीज़ें? हाँ, ये सब बातें तो सब बगल वाले कह रहे थे, अगल बगल के सभी शादी सपाटी कह रहे थे कि हाँ तुम्हारा लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा। अच्छा, ये चीज़ें मिलती थी जी। आपको कैसा फील होता था उस समय? इस समय नहीं, जैसे उस समय कैसा महसूस होता था, जैसे जो लोग तारीफ कर रहे थे? तारीफ करने से हमको ये मालूम हो रहा था कि जरूर हमारा लड़का उस लायक हो जाए। आज अच्छा लग रहा है आपको? जरूर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना जी। तो आप क्या चाहते हैं इनसे, इनसे क्या चाहते हैं इस जिस पोस्ट पे हैं, कैसे जॉब करें, कैसा समाज को और देश को किस मतलब कैसे कार्य से अपने प्रभावित करें? अपने हिसाब से ये जो है ईमानदारी के साथ जो है वो अपना काम करें, अपने पद का निर्वहन करें, निर्वहन करें हाँ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिस पद पे इनको का चयन हुआ है पूरी हॉनेस्टी दिखाएं, यही चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद।